त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान के आंकड़े हुए प्राप्त। जिले के भीतर 86.30% हुआ मतदान। जिले के 4 विकास खंडों में हुआ था 25 जून को मतदान, जिसमें बैयर में 77%, परसवाड़ा में 78%, बारासिनी में 83% और खैलांजी में भी 83% हुआ था मतदान। 25 जून को जिले के 4 विकास खंडों में हुए मतदान के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों ने जीत का किया दावा। जिन प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है उनमें बारासिनी ब्लॉक से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 से लोभहर्ष विशेष, 11 से पूजा मनोज टिमरे, 12 से गीता हनवत, खैलांजी ब्लॉक के क्षेत्र क्रमांक 16 से प्रकाश शुके, 17 से सुनीता बहटवार, 18 से मधु शुक्ला, बैयर विकासखंड से क्षेत्र क्रमांक 22 से महेश धुर्वे, 23 से मनसारा मंडावी, परसवाड़ा विकासखंड से क्षेत्र क्रमांक 26 से तामेश्वर पटले, 27 से दलसी पंद्रे ने किया जीत का दावा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। 4 जुलाई की शाम 5 बजे ओपीपीनीय एग्जिट पोल पर लगाई रोक। नगरीय निकाय बारासिनी के लिए 6 जुलाई को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराए जाने के उद्देश्य से 32 मतदान केंद्रों में किया गया रैंडमाइजेशन। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदना के ग्राम झाड़ी टोला में अज्ञात मोटरसाइकिल की टक्कर से 65 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल सोनवा ने गंभीर रूप से हुआ घायल। नवेगांव थाना के अंतर्गत ग्राम कोसमी के सभी मोटरसाइकिल फिसलने से 2 युवक कोसमी निवासी राजा सहारे और निर्मल टेकाम हुए घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बरेली थाना के अंतर्गत ग्राम केरा में 32 वर्षीय महिला पुष्पा खैरवार को जहरीले सर्प ने काटा, अस्वस्थ होने पर जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अनजान व्यक्तियों से बात करने से करे परहेज। वीडियो कॉलिंग के नाम पर जिले के भीतर आधा दर्जन से अधिक लोगों से हो चुकी है ब्लैकमेलिंग। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत भिड़ी निवासी 19 वर्षीय युवती आचल उइके ने मानसिक तनाव में आकर चूहा मार दवाई का किया सेवन, उपचार के दौरान हुई मौत। रामपाली स्थित हाई स्कूल चौक में रहने वाले रेत घाट कर्मचारी रवि सिंह मूल निवासी यूपी का रविवार को घर पर ही फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। न्यायाधीशों ने नशे से दूर रहने और उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताए परिणाम। शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में छात्राओं ने रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से नशे के बताए दुष्परिणाम। एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी जागरूकता। लालबरा तहसील में सेवा सहकारी समिति और कृषि विभाग के द्वारा क्षेत्र में लगाए जाने वाले धान का बीज नहीं कराया जा रहा है उनको उपलब्ध, उसके बदले में उच्च क्वालिटी का चिन्नौर का बीज अनुदान पर दिया जा रहा है। किसानों ने जताई अलग धान के बीज पर नाराजगी। बारासिनी न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। उपस्थित अतिथियों ने नशे के बताए दुष्परिणाम। लालबरा में गार्डन खुलने और बंद करने का समय बदलने की मांग को लेकर स्थानीय जनों ने जताई नाराजगी। पूर्व की तरह रात 8 बजे तक गार्डन खुले रखने की मांग की। नगर के हनुमान चौक में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर आक्रोशित व्यापारियों ने चुनाव के बहिष्कार के बाद बालाघाट बंद की दी चेतावनी।